उसका नाम क्या है पता तुम्हें? रामचरितमानस। मानस किसे कहते हैं? इसका नाम तो वैसे रामायण था, पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको थोड़ा सा अलग कर दिया। रामचरित्र मानस यही नाम। बताइए रामायण से रामचरित्र मानस कर दिया, क्यों किया? इसलिए किया है मैया की रामचरित्र मानस को, यानी रामायण को जो भी व्यक्ति अपने मन के अंदर बसाता है, यानी रामचरित्र मानस यही नाम। जो भी राम के चरित्र को अपने मन के अंदर बसाता है वह सीधे सीधे परमात्मा के धाम हो जाता है, उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। एक एक चौपाई का एक एक शब्द मानव के जीवन को बदल देता है। पढ़ते तो सभी है, समस्या सिर्फ समझने वाले की। एक चौपाई के 1000 अर्थ होते हैं, समझने वाले की।